करण ने मृत्यु के समय दिया था दानवीर होने का प्रमाण, श्री कृष्ण ने खुश होकर दिया था वरदान। दोस्तों, सूर्य पुत्र करण महाभारत के एक बहुत ही खास पात्र थे। करण को न केवल उनके पराक्रम बल्कि उनके दानवीर होने के लिए आज तक जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनसे बड़ा कोई और दानी नहीं हुआ। भगवान कृष्ण खुद भी करण को सबसे बड़ा दानी मानते थे, लेकिन ये बात अर्जुन को पसंद नहीं थी। करण की मृत्यु के समय भगवान कृष्ण उनकी परीक्षा लेने गए और करण के व्यवहार से खुश होकर उन्हें वरदान भी दिया। युद्ध भूमि में जब करण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे, उस समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि आपका दानवीर करण असहाय होकर मौत का इंतजार कर रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि करण को उसकी वीरता और दानवीर होने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। यह बात सुनकर अर्जुन बोले कि वो सबसे बड़ा दानवीर कैसे हो सकता है। इस बात को साबित करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण का वेश में पहुंचे और करण को प्रणाम किया। इस पर करण ने उनसे वहां आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं आपसे कुछ दान मांगने आया था, लेकिन आपकी हालत देखकर अब कुछ नहीं मांगना चाहता, क्योंकि आप इस हालत में क्या दे सकेंगे। यह सुनकर करण ने पास में पड़े पत्थर से अपने सोने के दांत तोड़कर ब्राह्मण को अर्पण कर दिया। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में आ गए और करण को वरदान मांगने को कहा। तभी करण ने 3 वरदान मांगे। करण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों का कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो, इसलिए भगवान ने उसका अंतिम संस्कार किया अपने हाथों से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने करण का अंतिम संस्कार अपने हाथ पर किया था। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, आपकी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।